आज हम सुकचा के इस इलाके में आए हैं। आपका नाम क्या है? बिन्यामीन। मिनिया मीन से बात कर रहा है हमारा नया सरपंच कैंडिडेट मशरफ। मशरफ जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इस वक्त पंचायत की इलेक्शन में तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट पंचायत के इलेक्शन में। जैसे आपने टूर किया, पूरी पंचायत का टूर कर रहे हो, घर डोर टू डोर जा रहे हो, क्या इन लोगों से आप पूछ सकते हो क्या आपको पिछले 5 सालों में, उससे 5 सालों में, उससे 5 सालों में कुछ फ़ायदा मिला लोगों की तरफ से? आज हम डोर टू डोर हर जगह जा रहे हैं अपनी पंचायत के अंदर और गरीब आवाम से बात कर रहे हैं। इधर भी हमने सुकचा में भी बात की लोगों से, लेकिन सबका यही कहना है कि हमारी पेंशन नहीं लगी, हमें नरेगा के काम नहीं मिले, हमें PMY के हाउस नहीं मिले। लोग बोलते हैं हमें फॉरेस्ट की ज़मीन में है, हमें कोई ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। आज ये बंदा भी जो है, हम इनके पास आए हैं कि पंचायत में आज तक आपका कोई काम हुआ? कोई नहीं। तो बता सकते हो आप कितने काम, क्या कुछ चार बातें? काम पहला नंबर देता था किसने, बशीर सरपंच, थोड़ा जोर ना बोलो ना। उस वक्त भी कोई उसने पाई पैसा काम नहीं की, पीछे खड़ा हुई सरपंच प्रेम सिंह, उसने भी तेल जिनों काम नहीं की, कोई नहीं, उसने तेल जिनों काम आम लोग, पीछे हूँ प्रेम सिंह ने कह असलम खड़ो की, उसने भी तेल जिनों काम नहीं की। कोई हमारा गरीब लोग है कदे वो बैठो नहीं, बिल्कुल कोई PMAY को हाउस आया, कोई कोई नरेगा शीट, कोई डंगा शंगा, कोई 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 कुछ नहीं। एक गुत्थी नहीं ने इन उम्र में लाई को 50-60 साल में जिन्ना भाई जीता रहे, 300 रुपये चार्ज उठाया हमने, कोई नहीं की। आज तो हम क्या डिमांड करें जी, जो आप कैसा लोग गरीब गरीबी करने के भाई, कोई मदद, कोई पंचायत की तरफ, कोई डिपार्टमेंट की तरफ, कोई 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 नहीं। जो इस वेल कर सके के उस आदमी ने हम वोट देंगे, जिसना कोई मारो कर था गरीबों, जी जी, जे कोई नहीं कर सकता कि नहीं फिर देता ता तो नाम ही मुक जाना। इन लोका ने बार बार मौको नहीं देनो, यही मुहिम है जड़ी हम हर जगह ले चले करा, क्योंकि ये लोग 5 साल थोड़ी हम इन लोका ने ढूंढता रहा, ये लोग हमने नहीं था, नहीं जाता, नहीं जाता ही नहीं था। 5 साल बाद ये वोट जिसे टाइम आवे तो ये वोट लेने से आगे हो जाए सारा। तो सर आप थोड़ा शो कर सकते हो फाइनेंशियली बजट पंचायत का कितना रहा पिछले 5 सालों में, ये चीज़ शो कर सकते हो आप, थोड़ी बता सकते हो इन लोगों को? सर करोड़ों के हिसाब से जो पंचायत में पैसा आया था, लाखों की बात नहीं, करोड़ों के हिसाब से पैसा जो पंचायत के अंदर, गवर्नमेंट कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये जो नुमाइंदे बैठे हैं पंचायत के अंदर तहसील में, ये लोगों के डिपार्टमेंट के साथ इन लोगों की बनती है, अपना ही काम करते हैं। और ग्राम सभा होती है पंचायत के अंदर, एक उसमें हमें बैठाया नहीं जाता, पंचायत के किसी लोगों को पता नहीं होता कि ग्राम सभा आज बैठी है, लेकिन इन लोगों ने अपने ही जो घर के काम करने हैं, चाहे वो घर के अपने जो पंच सरपंच हैं उनके ही काम होते हैं। गरीब आवाम जैसे कि लोग हैं, गरीब आवाम इनको तो काम का पता ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है, डिपार्टमेंट को तो ये लोग शो कर देते हैं वर्क, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है, ये लोग गवाही दे रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। हम सुकचा के अंदर भी गए, आज हम सुकचा की लास्ट इन लोगों तक आए हैं, 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन इन लोगों की कोई भी ये जो डिमांड है कि कोई काम नहीं हुआ। अब हम इन गरीब आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है आपका, आपने बात की, हमें अच्छा लगा आपसे। तो यही कुल मिलाकर जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो हम मतलब एरिया को सर्च कर रहे हैं डोर टू डोर, कुछ माहौल बिगड़ा सा लग रहा है, क्योंकि पंचायत के अंदर बेसिकली काम तो हुआ नहीं है। और मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, इस बार अगर इलेक्शन करवाए सरकार तो किसी कंपटीशन बेस पे करवाए, बिल्कुल, ताकि यूथ आगे आए, वो यूथ आए जो बेचारा इस पहले जमाने में इलेक्शन होता इसके काबिल है, इलेक्शन होता था तो कोई पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सियाना बंदा इसको हम वोट दे देंगे। आज कंपटीशन का दौर है, इन गरीब आवाम की आवाज़ आज तक इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई नहीं, क्या पेंचू सरपंचू का फर्ज नहीं बनता था जो आज तक इन लोगों ने जुटा के इनको आप भी तो मैंने सुना कि टैंकियां बांटी लोगों को, बहुत सारे गरीब लोगों को, कोई आपको सरकार की तरफ से मिली, पंच सरपंच की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है जनाब? आपने खुद ही बता दिया कि मैंने 3 सरपंचों को वोट दिया है, जाहिर सी बात है हम लोगों ने भी आज से पहले वोट ही दिए, हम लोग कोई नहीं मजाक कर रहे थे किसी से, हम लोगों ने भी, हमारी भी यही हालात है, लेकिन हमें कुछ लगा कि साइड पे जाके लोगों से बात की करनी चाहिए, साइड से लोगों पे विश्वास देखो क्या विश्वासघात है लोगों का, लेकिन जल्द से जल्द आपको एक नया आदमी मिलेगा, ये हम आपसे दावा करते हैं, आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, आपकी पंचायत में डेवलपमेंट भी होगी, काम भी होगा, गरीब आवाम की जितनी और अगर आप लोग हमारी आवाज़ बनते हो, रोड का इशू उठाया,
रोड के इशू को हम डीसी मैम के पास भी मैं लेके गया टीम को, और हमारी पटिया की रोड को टीम हमने बनाई और उसको लेके डीसी मैम तक और एसडीएम तक जो बात हमने पहुंचाई और उसका जो हल है वो भी निकल गया। लैंड कंपनसेशन लोगों का वो भी हमने जो बात की। और शुक्रिया सर आपका।